पेट्रोल जो है वो मिलना बंद हो जाएगा, पेट्रोल आएगा ही नहीं। तो तेल ट्रक इससे आता होगा? हाँ तो बंद है। बंद है ना? बंद है, तेल नहीं आया है। तेल आज नहीं आया? नहीं, देख रहे हैं गाड़ी खड़ा है, गाड़ी यहाँ नहीं रहता है। ये जो टैंकर लगा है कितना दिन लगता है इसको खाली होने? दिन भर में तो दो तीन को खाली होता है। दिन भर में दो तीन खाली हो जाता है। लोग जो है वो तेल स्टोर करवा रहे हैं, और स्टोर इसलिए भी करवा रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि कल से तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज एक लोड नहीं आया, कल लोड नहीं आया, कल भी नहीं आया, कल भी तेल नहीं आया। नहीं तो कैसे आप लोग दे रहे हैं? जैसे स्टॉक है वही चल रहा है, अगर कल नहीं मिला तो हाँ बंद हो जाएगा। तो जल्द से जल्द जो है वो चलकर तेल ले लेते हैं। ट्रक का पहिया पूरी तरीके से बंद हो गया है और तेल आना बंद हो गया। शीतकालीन सत्र में अमित शाह ने हिट एंड रन मामले में जो कानून बनाया, उस कानून का विरोध अब सभी ड्राइवर कर रहे हैं। खास करके ट्रक ड्राइवरों का विरोध जो है वो सामने देखने को मिला है, और 30 लाख ट्रक चालकों ने कह दिया है कि चक्का पूरी तरीके से जाम रहेगा। और अब जो संसाधन जो है वो ट्रक से जो आते हैं उसको लेकर अब बातें चल रही हैं कि वो नहीं मिलेगा, 3 दिनों तक हड़ताल रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिलने लगा है, क्योंकि अब खबर ये चल रही है कि पेट्रोल जो है वो मिलना बंद हो जाएगा, पेट्रोल आएगा ही नहीं, पेट्रोल का आयात निर्यात नहीं होगा तो फिर पेट्रोल नहीं मिलेगा, और पेट्रोल नहीं मिलेगा तो लोग कैसे जो है वो गाड़ियाँ चलाएंगे। तो ऐसे में ये पेट्रोल पंप की तस्वीर है, और यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गाड़ी में तेल है लेकिन वो भी फिर भी वो तेल डलवाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि टंकी फुल करके रखा जाए, स्टोर करके रखा जाए, क्योंकि हो सकता है कि कल को तेल ना मिले तो फिर हम कैसे जो है आगे चलाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पेट्रोल पंप की है, और तमाम जो है यहाँ पर गाड़ी के जो मालिक हैं वो आकर अपना तेल जो है वो डलवा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक ट्रक पहले से है जो खाली हो रहा है, और ये भीड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। पेट्रोल पंप पर आवागमन जो है वो लोगों का बढ़ चुका है, लोग जो है वो तेल स्टोर करवा रहे हैं, और स्टोर इसलिए भी करवा रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि कल से तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक कर्मी है, उनसे बात करेंगे कि नॉर्मल इतना भीड़ रहता है कि आज इतना भीड़ नहीं, यहाँ भीड़ हरदम रहता है सर। भीड़ हरदम रहता है। हाँ सर। कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं कि नहीं जिनकी गाड़ी में तेल है फिर भी वो तेल डलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ट्रक जो है वो नहीं आएगा तो तेल भी नहीं आएगा। आपके यहाँ तेल आया है? हमके यहाँ तेल आ रहा है सर। अच्छा, कितना दिन में एक टैंकर खाली हो जाता है आपके यहाँ? ये जो टैंकर लगा है कितना दिन लगता है इसको खाली होने? दिन भर में तो दो तीन को खाली होता है। दिन भर में दो तीन खाली हो जाता है, तो अगर नहीं आए तो फिर क्या होगा? ये सर बंद करना पड़ेगा। चलिए, हालांकि इनका कहना है कि नॉर्मली इतना भीड़ रहता है, हालांकि पेट्रोल पंप है, सड़क किनारे है तो नॉर्मली इतना भीड़ रहता है, लेकिन अब लोगों के मन में ये है कि तेल जो है वो नहीं मिलेगा। एक और है कर्मी, इन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि आज कर्मियों से ही बात करना है कि डेली इतना भीड़ रहता है या आज इतना भीड़। भीड़ तो यहाँ डेली रहता है, डेली रहता है। और अब खबर आ रही है कि ट्रक जो है वो नहीं चलेंगे, चक्का जाम हो गया। आपका भी तो तेल ट्रक से आता होगा? हाँ तो बंद है। बंद है ना? बंद है, तेल नहीं आया है। तेल आज नहीं आया? नहीं, देख रहे हैं गाड़ी खड़ा है, गाड़ी यहाँ नहीं रहता है। ये गाड़ी यहाँ नहीं रहता है? नहीं, ये तेल जा के जहाँ से डिपो है डिपो में रहता है। जैसे यहाँ लोड गिराते रहता है, आज एक लोड नहीं आया, कल लोड नहीं आया, कल भी नहीं आया, कल भी तेल नहीं आया। नहीं तो कैसे आप लोग दे रहे हैं? जैसे स्टॉक है वही चल रहा है। कितना दिन तक स्टॉक चल सकता है? स्टॉक अभी कुछ कर नहीं सकते, कितना है, कितना स्टॉक का है, कितना का है? फिर भी अगर कल नहीं मिला तो हाँ बंद हो जाएगा। तो देखिए, कल अगर ट्रक नहीं चलता, और ऐसे भी 30 लाख ट्रक का पहिया जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है, 30 लाख ट्रक जो है वो नहीं चलेगा। और ये पेट्रोल पंप की स्थिति है कि ये जो गाड़ी है इनका कहना है कि ये डिपो में खड़ा रहता है, तेल लेकर आता है और यहाँ पर जो है वो करता है। और देखिए, कल भी तेल नहीं आया है और आज भी तेल नहीं आया, यानी जो इनके पास स्टॉक है उसी स्टॉक को ये आगे बढ़ा रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। अगर कल तेल नहीं आता है तो फिर तेल जो है वो नहीं आएगा। और देखिए किस तरीके से गाड़ियों का काफिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, लोगों के मन में आ चुका है कि भैया तेल अब मिलना बंद हो जाएगा, तो जल्द से जल्द जो है वो चलकर तेल ले लेते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ियों का ताता जो है वो लगा रह रहा है, क्योंकि अब ट्रक का पहिया पूरी तरीके से बंद हो गया है और तेल आना बंद हो गया। और ऐसे भी सहकर्मी का कहना भी है कि 3 दिनों से गाड़ी जो है वो नहीं आया है, जो यहाँ पर काम करते हैं कर्मी उनका मानना है कि 3 दिनों से गाड़ी नहीं आया, और ये जो ट्रक है
इसके जो चालक हैं वो अब ट्रक नहीं चलाएंगे। उनका कहना है कि हिट एंड रन मामले में जो कानून बना है सदन में वो पूरी तरीके से गलत कानून है, उस कानून का ये लोग विरोध करते हैं। कुछ और कर्मी हैं उनसे भी बात करेंगे, काम करते रहेंगे उनसे बात करेंगे और उसके बाद सही में मायने में ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा। क्या आप लगता है बहुत पुराने यहाँ के कार्य? हाँ अच्छा एक बात बताइए, डेली कितना ट्रक तेल आता है? हम पुराने नहीं हैं अभी, तो फिर भी आप इनकम टैक्स वाले नहीं है, चिंता मत करिए। ट्रक के ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं ये बताइए तो। अच्छा चलिए नहीं बताएंगे, इनका कहना है कि हम नहीं कुछ बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए एक बार, इस तस्वीर को आप देख लीजिए और अब आप भी सचेत हो जाइए क्योंकि पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा और जब पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा तब आप किस तरीके से गाड़ी चलाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।